अटल हकीकत है जिसे कोई भी नहीं जुटा सकता लेकिन अगर हम इसके ऊपर बात करते हैं डेथ की तो डेथ को हम ये भी कह सकते हैं कंटेस्टेबल स्टेट है डेथ एंड डाइंग वेरी क्रॉस टाइम एंड स्पेस डेथ एंड डाइंग आर वेरी मच बाउंडिंग टू सोशल प्रोसेस कल्चरल ट्रेडिशंस अच्छा अब डेथ और डाइंग की अगर आप देखें बहुत अब डेथ एक अटल हकीकत है सबको पता है लेकिन लोग इसको इस तरह से नहीं लेते तो कंटेस्टेबल फॉर्म में लेते हैं और इसके अंदर फिर डिफरेंस आ जाता है बिटवीन अगर हम हिस्ट्री को देखें तो हिस्टोरिकल टाइम में डेथ को और तरीके से लिया जाता था अब डेथ को और तरीके से लिया जाता है और इसके अंदर सर्टेन नॉर्म्स डिफरेंट है बिटवीन डिफरेंट रिलीजियस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स के अंदर और डेथ का डेथ को डील करने का हर एरिया हर जियोग्राफिक रीजन या हर रिलीजन या हर कल्चर का अपना एक परस्पेक्टिव है अगर बात करते हैं मुस्लिम्स की तो मुस्लिम क्या करते हैं मुस्लिम जो है अपनी बॉडी को एक रिस्पेक्टेबल वे में जाके दफन कर देते हैं लेकिन अगर हम बात करते हैं क्रिश्चियंस की तो उनका ये होता है ये जो डेड बॉडी है ये इस सोर्स ऑफ द इन्फेक्शन है तो वो डेड बॉडी को इस तरह से नहीं करते वो भी उसे ब्रिड करते हैं बट उनका एक आइसोलेशन होती है फ्रॉम द डेड बॉडी अगर हम बात करते हैं हिंदुआजम की तो हिंदुआज्म क्या करते हैं अपनी डेड बॉडीज को जला देते हैं तो दे आर डिफरेंट जो एक चल रहा है डिफरेंट कल्चर्स के अंदर रिलीजन के अंदर डेथ को लेके दे आर डिफरेंट कंसेप्ट एंड डिफरेंट जो परस्पेक्टिव है डेथ के ऊपर बट अगर हम बात करते हैं डेथ एंड डाइंग दे आर वेरी मच बॉन्डिंग टू हिस्टोरिकल टाइम लेट मॉडर्निटी एक्सक्लूड डेथ फ्रॉम द कॉमन डिस्कोर्स पॉसिबल रीजन फॉर डेथ डिनाइंग कल्चर अच्छा अब जिससे मैंने बात की जी देर डिफरेंट कल्चर्स के अंदर डिफरेंट है मडर्निटी uh, ने उस भी काफी कंसेप्ट को चेंज किया है इसके डेथ की लेकिन फिर भी अगर हम एक बात करते हैं तो डेथ को लेके लोगों की उस तरह से थिंकिंग नहीं लोग उसको उस तरह से डिस्कस नहीं करते अपनी नॉर्मल कन्वर्सेशन के अंदर लोग बहुत कम इस चीज को लेते हैं कि डेथ भी कोई चीज है या उनका जो एंड है इट्स इन द फॉर्म ऑफ डेथ हाँ उसके अंदर कल्चर कुछ इमोशनल एक्सपेक्ट आ जाते हैं अगर किसी यंग की डेथ हुई तो लोगों का इमोशन थोड़ा डिफरेंट होता है बिकॉज ये होता है कि ये यंग है इसको अभी और इसकी लाइफ थी ये जल्दी चला गया और अगर किसी ओल्ड पर्सन की डेथ हुई तो उसमें लोगों का कंसेप्ट थोड़ा डिफरेंट होता है कि जी ओल्ड पर्सन है इसने अपनी काफी लाइफ स्पेंड कर ली ठीक है इसकी डेथ हो गई तो थोड़ा सा इमोशन डिफरेंस आ जाता है लेकिन जो पॉसिबल रीजन है डेथ डिनाइल के वो एक तो रेशनलाइजेशन है हमारे यहाँ मेडिकलाइजेशन है रेशनलाइजेशन क्या होता है कि अब जो सोसाइटीज हैं वो बहुत ज्यादा जो उनकी थिंकिंग एक साइंटिफिक वे में हो गई है और उसमें इमोशंस का इतना ज्यादा रोल नहीं रहा मेडिकलाइजेशन जैसे ही मेडिकल फील्ड एडवांस हुई तो हमने कहा कि जो डेथ का प्रोसेस है ये मेडिकलाइजेशन के अंदर आएगा वो इसको डेथ को एक्सप्लेन करेंगे या डेथ का जो भी स्टेप है ऑफ़ मेडिकलाइजेशन आ जाएगा फिर हमारी सोसाइटी के अंदर आ गया से वो इस वजह से भी हुआ कि लोग अपने रिलीजन से दूर हो गए लोगों का वो अपने रिलीजन के साथ उस तरह से इन्वॉल्व नहीं हुए नहीं है जिस तरह से वो पहनने का कंसेप्ट सेक्युलर सोसाइटी की वजह से भी आ रहा है इंडिविजुअलाइजेशन यानी कि इंडिविजुअलाइजेशन एवरी इंडिविजुअल जो है वो अपना कंसेप्ट है उसका रिगार्डिंग द डेथ एंड द लाइफ फिर हमारे पास जो आ रहा है consumerism, the, uh, other thing, जो कंज्यूमरिज्म अदर थिंग जो कि डेथ डेथल के अंदर एक पार्ट प्ले कर रही है अच्छा कोबलर रॉस ने 1969 के अंदर स्टेजेस ऑफ डेथ को डिफाइन किया उसने कहा जी एक जो पर्सन जो कि डाइंग फेज में होता है या डेथ पे होता है तो उसके फाइव स्टेजेस हैं जिसके थ्रू वो जिसमें वो जिससे वो गुजरता है टिल डेथ एक तो डिनाइल डिनाइल क्या है कि अगर आप किसी पेशेंट को कहते हैं कि जी आप यू आर सफरिंग फ्रॉम आप बहुत किसी खतरनाक बीमारी से आप आपको हो गई ये बीमारी और ये इसमें आपकी जो लाइफ है वो बहुत कम रह गई है तो पहले क्या आपका एक आता है डिनाइल आता है पेशेंट डिनाय करता है कहते हैं नहीं मेरे साथ ऐसा नहीं किसी और की टेस्ट आ गए मेरे सिम्टम्स इतने ज्यादा नहीं है कि आप मुझे इतना स्वेर बीमारी मेरे साथ डायग्नोज करे वो डिनाइल फेज है फिर आती है जी एंगर फेज फिर एंगर आते हैं किसके ऊपर एंगर आता है आपके कोलीग्स पे आपके फ्रेंड्स पे आपके फैमिली पे आपके डॉक्टर पे कि वाई आपके साथ ऐसा क्यों हुआ वाई नॉट विद द अदर्स आप जो है वो डिजीज हैं और आप नियर टू डेथ हैं जो अगले नेक्स्ट आपके साथ के लोग हैं वो हेल्दी हैं और नॉर्मल लाइफ स्पेंड कर रहे हैं वो एंगर फेल आता है फिर बारगेनिंग बारगेनिंग मीन विद द मेडिकल प्रोफेशन विद अल्लाह के साथ दुआ करना कि जी आप अल्लाह मुझे कुछ और लाइफ दे दें दे दे या डॉक्टर से कहना कि इन एवरी केस आप मुझे मेरी लाइफ को सेव करें एट एनी कॉस्ट फिर नेक्स्ट फेज आती है डिप्रेशन की डिनाइल एंगर और उसके बाद आपकी बार्गेनिंग के बाद डिप्रेशन आप डिप्रेशन में जाते हैं मीन आप अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं बाकी लोगों से जैसे आपकी सोसाइटी से और एंड में एक्सेप्टेंस फाइनल स्टेज एक्सेप्टेंस आप एक्सेप्ट कर लेते हैं देर इज नो अदर वे आपको अपने डेथ केस को एक्सेप्ट करना तो ये उसने कॉब्रॉस ने इस कंसेप्ट को दिया इन द फाइव स्टेजेस ऑफ द डेथ प्रोसेस इन एनी पर्सन बट इसके इस कंसेप्ट को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया उन्होंने कहा जी इसने प्रोफेशनल प्रोफेशनल किया बिहेवियर की लोगों के अंदर इसका जो कंसेप्ट है यह सबके ऊपर जनरलाइज नहीं है सिर्फ अमेरिकन पॉपुलेशन के ऊपर आता है इसमें कोई प्रॉपर रिसर्च नहीं की इसके ऊपर टू लीनियर कंसेप्ट है इसका और अमेरिकन कल्चर के साथ है और इसका जो है मोस्ट ऑफ द पर्सनल विजन देन द एकेडमिक यानी कि उसने अपना पर्सनल कंसेप्ट है उसमें उसमें कोई थ्रू और रिसर्च नहीं की कोई एम्पेरिकल रिसर्च नहीं की जिसको हम जर्नलाइज कर सके तो कॉबिलर का जो ये फाइव स्टेज डेथ का प्रोसेस था इसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया इन जनरल वर्ल्ड के अंदर फिर जो नेक्स्ट चीज हमारे पास आती है इमोशनल लेबर एंड डिटेचमेंट दिटा, वो लोग जो कि उन लोगों के साथ काम कर रहे होते हैं जो कि नेट टू तो डेथ होते हैं मीन जो आपके डॉक्टर्स हैं है पैरामेडिक्स है उनकी एक डेली की रूटीन है वो डेथ और लाइफ के साथ डील कर रहे हैं उनकी एक इमोशनल जो है डिटैचमेंट uh, कर लें या uh, उन पेशेंट से उन लोगों के साथ होती है जो कि आन द डेट पेट होते हैं तो वर्किंग विद डाइंग पीपल कैन इन्वॉल्व इमोशनल लेबर इमोशनल लेबर टू ड्राइंग ऑन रेफर एज अ पार्ट ऑफ वर्क अच्छा इसकी एग्जाम्पल मैं देती हूँ एक एयर होस्टेस से पूछा गया एयर होस्टेस का क्या काम होता है वेलकम करना लोगों को स्माइल देना एवरी टाइम वो लोगों को स्माइल देते हैं एक एयर होस्टेस से पूछा गया कि आप अपने इस इमोशन को कैसे एक्सप्लेन करेंगे उसने कहा जी मुझे लगा लगता है कि अब मेरी जो स्माइल है मेरी अपनी स्माइल है ही नहीं है ही नहीं प्रोफेशनल है मैं एक प्रोफेशनल वे में सबको एक स्माइल देती हूँ जो मेरे अपना इमोशन है विद द स्माइल अल लाफ्टर वो खत्म हो गया तो सेम द केस विद द मेडिकल प्रोफेशनल अब मेडिकल प्रोफेशन रोज डील कर रहे होते हैं डाइंग पेशेंट के साथ डिजीज के साथ डेथ के साथ तो जो उनका इमोशनल एक रिलेशन है वो उस तरह से नहीं होता और टू सम समस्टेंट ये ठीक भी है अकॉर्डिंग टू सोशोलॉजिस्ट कि अगर डॉक्टर्स इमोशनल उस लीडरशिप में आ गए तो शायद वो पेशेंट को उस तरह से ट्रीट ना कर सकें तो इमोशनल लेबर टू ड्राइंग ऑन रेफर एज अ पार्ट ऑफ वर्क कैन लीड टू बर्न आउट इमोशनल लेबर इन हेल्थ केयर नॉट बुली अंडरस्टूड मीन अगर आप जो है एक एंड स्टेज जो है आपकी इमोशन की वो बर्न आउट है आपका बर्न आउट हो जाता है आपके एक अगर कंटिन्यूस आप डील करें किसी की डेथ के डाइंग डिजीज तो ये आपका बर्न आउट स्टेज आ जाता है तो अगर हम डेथ की बात करते हैं तो डेथ एक अटल हकीकत है जो कि सबको आने बट लोग इसको उस तरह से डिनाइल फेस में जाते हैं एक्सेप्ट नहीं करते हैं डेथ को और देर आर सर्टन इमोशंस इन्वॉल्व है डेथ के साथ जो कि डिफरेंस हैं बिटवीन द यंग एंड द ओल्ड वन और देर कल्चर ट्रेडिशनल डिफरेंसेज हैं डेथ को लेके रिगार्डिंग द डेड बॉडी डेड पर्सन थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स